दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बड़खल झील के बाहर से लाइव हैं। हमें भी नहीं पता झील भर रही है कि नहीं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या पानी आ रहा है झील में, क्या झील भरी जा रही है। बाहर तो काम चल ही रहा है, रोड वगैरह तो बन ही रहे हैं, इधर अंदर बांध भी बन रहा है। बाहर का कंस्ट्रक्शन आप लोग देख ही रहे हैं, दीवारें वगैरह बन ही रही हैं, इधर पार्किंग बन रही है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं झील भरी जा रही है कि नहीं। देख सकते हैं सीढ़ियां बन रही हैं, ये देखिए सीढ़ियां बन रही हैं, अच्छी खासी सीढ़ियां हैं, काफी चढ़ना पड़ेगा लोगों को। देख सकते हैं आप लोग, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या स्टेटस है बड़खल झील की। और यहाँ से बाहर की तरफ भी पूरा स्टेटस दिख जाएगा किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए रोड बन रहे हैं, 4 लेन रोड झील की तरफ आने के लिए, आपको दिख रहा होगा। आइए चलते हैं, ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर कई सारी चीज़ें बन रही हैं, फुटपाथ भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है, बांध भी बन रहा है। अच्छा यहाँ से दिख जाएगा आपको क्या स्टेटस है। अच्छा पानी भी काफ़ी भर दिया गया है भाई, थोड़ा बहुत तो तालाब जैसा लग ही रहा है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा झील को भरना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं तो फरीदाबाद की जनता को यह उम्मीद है कि चुनाव तक झील का काम पूरा हो जाएगा। बाकी आप लोग स्टेटस देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि काम पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो ये बांध जो बन रहा था, ये बांध का काम है, आप लोग देख रहे हैं। और उधर एक और बांध है, यानी कि दो दो मोटी मोटी दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि पानी जो है अपने हिसाब से यहाँ तक आ पाए पानी। अब बोटिंग वगैरह यहाँ पे होंगी। और उधर देखिए एक बांध और बनाया गया है, तो स्टेटस आपको दिख रही होगी। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ घुमा कर दिखाएं। ये फरीदाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा बड़खल झील के बारे में। और कभी यहाँ पर पानी हुआ करता था, कभी यहाँ पर दिल्ली से, गुरुग्राम से, नोएडा से, गाजियाबाद से, सोनीपत से, पानीपत से, दिल्ली एनसीआर से, हरियाणा तक से यहाँ पर लोग घूमने आते थे और अपने बच्चों को दिखाने आते थे, चलो बड़खल झील दिखा कर आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया, झील सूख गई, खंडहर बन गई, जंगल बन गई। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल की कि झील को फिर से भरा जाए, फिर से इसे रिवाइव किया जाए। तो इसी सिलसिले में काम चल रहा है यहाँ पर, हालांकि बहुत सारा काम होना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा और नीचे चलेंगे तो काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग है। अभी काम यहाँ पर रुका हुआ लग रहा है, लेकिन इस तरह से काम रुका रहेगा तो मुझे लगता है अभी काफ़ी टाइम लगेगा पानी भरने में। बाकी सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं तो झील बढ़िया ही बन रही है। यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, जब पानी यहाँ तक आएगा तो लोग यहाँ पर बैठकर पानी का आनंद ले सकेंगे। इधर से देखिए काफ़ी गहराई, तो ये जो है पहला बांध है, आप लोग देख रहे हैं, और इसके बाद दूसरा बांध भी है। तो पानी जो है यहाँ तक तो रहेगा रहेगा, अगर पानी बढ़ गया कभी तो वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं पानी लगातार इसमें आ रहा है, सेक्टर 21 से पानी लगातार यहाँ पर आ रहा है। आपने सुना होगा जो एसटीपी प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और वहाँ से लगातार पानी को ट्रीट करके इसमें भरा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा जूम करके दिखाएं झील की तरफ। दिखाइए भैया वो जो झील दिखाओ, पानी जहाँ भर रहा है वो दिखाओ। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा और बारिश आएगी जब, तब जाकर इसमें और ज़्यादा पानी भर जाएगा। और लोग नहा भी रहे हैं, अच्छा जी अभी से नहाना शुरू कर दिया, तो चलो उधर भी लेकर चलेंगे आपको। फिलहाल आप लोग दूर से ही देखिए, बहुत सारे लोग देखिए झील में नहा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, और साफ पानी है क्योंकि सीवरेज को ट्रीट करके ये पानी यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो उसी पानी से लोग नहाते हैं। कई बार जो सप्लाई का पानी होता है, सीवरेज का सप्लाई वाला पानी, उससे लोग नहाते भी हैं, बर्तन वगैरह भी धोते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है नहाने योग्य है। देखिए लोग गाड़ियां भी धुल रहे हैं, अपने ऑटो धुल रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा दिखाएं, तो पूरा मज़ा लिया जा रहा है झील का।
लोग अपनी गाड़ियां धुल रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। वो देखिए स्कूटर से कितना तेज जा रहा उड़ाता हुआ। तो दोस्तों बडखल झील का हमने आपको नज़ारा दिखाया, बडखल झील की स्टेटस दिखाई और आगे चारों तरफ कंस्ट्रक्शन की स्टेटस दिखा दो भाई कैमरामैन। काफ़ी काम होना है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। हरियाणा सरकार ने अच्छा खासा बजट भी इसके लिए पास किया है। और यहाँ पर देखिए उधर भी होटल है, दिखा देंगे, और इधर भी होटल है, उधर भी दिखा दो भाई कैमरामैन। एक होटल उधर है और वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं, स्विमिंग पूल है, वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इधर भी देखिए एक होटल है। तो तीन दिन जो है हरियाणा सरकार के होटल हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था है, यानी कि तीनों तरफ रहने की ठहरने की व्यवस्था है। आगे जो है जब झील बन जाएगी तो टिकट वगैरह भी लगेगा, उससे फरीदाबाद की अच्छी खासी आमदनी भी होगी और लोगों को एक मनोरम झील देखने को मिलेगी और अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर आते हैं तो फोर लेन रोड भी बन रहा है, तो उसकी वजह से भी इस एरिया का काया पलट हो रहा है। झील बन जाएगी तो और काया पलट हो जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया होगा। मैं तो कहूँगा और तेज काम करना चाहिए और लोगों को एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्दी से जल्दी देना चाहिए हरियाणा सरकार को और फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं सीमा त्रिखा जी, अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर भी बन चुकी हैं, शिक्षा मंत्री भी बन चुकी हैं, तो उनकी पावर भी थोड़ा सा बढ़ गई है। तो थोड़ा सा जो बजट अगर कम पास हुआ होगा तो हो सकता है बजट और पास कर लिया जाए, कुछ और चीज़ें यहाँ पर बनानी होंगी तो हो सकता है वो भी बना दी जाए। तो ये अच्छा हुआ है कम से कम बडखल विधानसभा के लिए कि सीमा त्रिखा जी को मंत्री बनाया गया है और उन्हीं की देख रेख में ये बडखल झील का काम शुरू हुआ, रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, जो इस अंजाम तक फिलहाल पहुंचा है और आगे बहुत सारा काम बाकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, देखिए उधर लोग नहा रहे हैं, तो उधर भी हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए जो है वीडियो को क्लोज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।